दादा आप बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, और आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप ममता बनर्जी के गुरु रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ममता खुद अपने शक्ति पर उभर के ऊपर आई है, किसी को गुरु नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत दिन एक साथ काम किए हैं। पर ऐसा क्यों हुआ कि आप उन्हें प्रशांत किशोर की पाठशाला में जाकर के राजनीतिक अपने समीकरण देखने और समझने पड़ रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे भी ये पता नहीं था, हम लोग तो पुराने किस्म के लोग हैं, लेकिन आज जो पॉलिटिक्स जितना कॉम्प्लिकेटेड है उसमें हमारा पुराना स्टाइल में नहीं चलेगा। हमारा नया सोशल मीडिया आया है, इसके बारे में हम लोग पुराने लोग हमको पता नहीं, हम तो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट पर निर्भर करते थे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब आए हैं, और हमारे पास ये जो मॉडर्न चुनाव सर्वे का जो सिस्टम, ये नहीं था। हम लोग अंदाज करते थे, लोग को पूछते थे क्या भाई क्या होगा, तो अभी जो एग्जिट पोल से लेके ओपिनियन सर्वे, ओपिनियन पोल, ये सब नए चीज़ है। इसके लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का ज़रूरत हो गया। बीजेपी पूरा एक तो मीडिया सेल लाया, अमित मालविया, उसका काम है फेक न्यूज़ फैलाओ, सब मीडिया से ताल्लुक रखो और फेक न्यूज़ फैलाओ, इसलिए हमें लाने पड़ा। पर आप इनको लेकर आए, वो क्लब हाउस में बाकी जर्नलिस्टों से कहते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं प्रशांत किशोर से बात किया, ये एक बहुत पुराना टिप है, और ये भी पार्शियली सुनाया गया, क्योंकि प्रशांत किशोर वही ऑडियो में बार बार बोला कि तृणमूल जीतेगा, बार बार बोला कि बीजेपी को 100 तक नहीं पहुंचेगा, वो नहीं सुना है। थोड़ा सा जो एनालिसिस वो कर रहे थे उसी को सुना है, तो ठीक है। तो हमें अभी लगा कि एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट ठीक है, थोड़ा सिस्टम लाने में कैंपेन में इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का ज़रूरत है। वो तो दे आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैन पावर, बट दे कैन गिव यू प्रॉपर इनपुट्स। पर सिस्टम लाने की वजह से सिस्टम से कई लोग बाहर हो गए, कई आपके बड़े पुराने नहीं, नेता तो बाहर चले गए। वो सब लालची आदमी हैं, बीजेपी उसको रुपया ऑफर किया या बोला तुमको ये बनाएगा वो बनाएगा, वो चला गया, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये बात लालची है। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, इधर 5 साल मंत्री रहे, उसके बाद वो देखा कि जय श्री राम बोलना ही सही है। कोई अगर सेक्युलर पार्टी में रहा, कैसे रातों रात एक कम्युनल पार्टी में जाता है, ये मेरा दिमाग में आता है, नहीं है। हम लोग पुराने किस्म के लोग हैं, हम कोई विश्वास कोई उसूलों पर चलते हैं, और इसलिए ये दल बदलू हम नहीं समझते। क्या दिनेश त्रिवेदी पैसा लेके दल बदलना ठीक नहीं? दिनेश त्रिवेदी भी उसी कैटेगरी में आप मानते हैं क्या? उनको भी आप लालची कहेंगे? का तो दिमाग में गड़बड़ी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।